खान साहब, जब आपको टीम से पहले मैच में निकाला गया था तो क्या आपने टीम मैनेजमेंट से पूछा था कि आपको क्यों निकाला? नहीं, मुझे पता था क्यों निकाला। बच्चे, आप जो आप वोट वोट नहीं डाल सकते, आपने अपने वालिद साहब को बताना है कि वालिद साहब, जिस भी मर्जी पार्टी में आप पहले थे, अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोर लगाएं। मुसलसल पंजाब पुलिस खामोशी। जी सर, इतना बैठ जाओ। चीकू दाल निकाले हुए तुमने खुदा के पास से सुन लो बात। तस्वीर की जा रहा है चीकू उस वक्त। हर माशरे के अंदर एक तहजीब होती है, एक इंसान के अंदर कोई शर्म होती है, एक इंसान के अंदर अदाब होते हैं। किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए। तो कोई भी मुश्किल वक्त से दुख से गुजरते हैं लोग, इस तरह की बात करनी आप अब मुझे भी कुछ शर्मिंदा करवा रहे हैं। आप अपने औकात लोगों के सामने लेके आ रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा सवाल पूछते हो। ये नहीं कि आपको एक पोजीशन, बल्कि आप तो ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर आप जितनी बड़ा आपका होता है तो सबसे पहले कानून की बालादस्ती। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं, ये नहीं कि छोटा चोर जेल में और बड़ा डाकू वजीर बन जाए और गवर्नर बन जाए। कराची में गवर्नर कितने 18 कत्ल करके बैठा हुआ है। और मैं तो भूल ही गया, एचवे रोड में बैठा हुआ 234 कत्ल करके। मैं बैठा था शमी खान से मैं सुबह एक्सरसाइज की, सुबह निकला एक्सरसाइज करके घर वापस आया तो मैंने अपना मोबाइल देखा, मोबाइल के ऊपर मैसेजेस व्हाट्सएप आए हुए हैं, प्लीज कॉल। हैरानी क्या हो गया, कोई मुलाजम आया, उससे कहा जी फलाने फलाने पार्टी के लोगों ने कॉल किया अर्जेंट। मैंने सोचा कि क्या हो गया होगा, सोचा पहले तो मुझे खौफ हो गया, सोते सोते तो नहीं मैंने किसी को कत्ल कर दिया रात को। फिर मैं सोचा हो सकता है वो ट्रंप ने हमला करवा दिया हो पाकिस्तान पे, मुझे खौफ आ गया कि पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने सोचा कि कोई मौजा ना हो गया हो, नरेंद्र मोदी मुसलमान ना हो गया हो, या नवाज शरीफ को पता चल गया हो क्यों निकाला, या शहबाज शरीफ को शोबाजी खत्म करने का फैसला करे, या वो अपने इश्तिहार में शक्लें देने का फैसला कर दे, या शरीफ खानदान ने फैसला किया हमने अब झूठ कभी नहीं बोलना। मैं सोचा क्या हो गया ये। तो इतना फिर मैंने फोन जब खोल के देखा तो पता चला कि इससे भी बहुत बड़ा जुर्म हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, नेशनल क्राइसिस हो गया है कि इमरान खान ने शादी का रिश्ता मांग लिया, नेशनल क्राइसिस हो गया है। जी हम, मैं फिजा खराब नहीं करना चाहता, मैं माहौल अच्छा रखना चाहता हूं। मैं भी कह सकता हूं आपके मतलब कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं माहौल अच्छा रखना चाहता हूं। ओ ख्वाजा, आप सिर्फ आपके बाप का पैसा है, ये पाकिस्तानी कौम के पैसे की आप बात कर रहे हैं? आपके बाप का पैसा होता तो आप माफ कर देते लोगों को। या तो चले आपकी आपकी आप पावर में ना हो, आप कहे कि मेरी जान खतरे में है, आपकी पार्टी पावर में बैठी है, आप लंदन में बैठे हैं, तकरीरें टेलीफोन पे कर रहे हैं,
और सामने जो बैठे हैं, जो हालत है लोगों की, जो टेलीफोन सुन रहे हैं, बड़ी बर्दाश्त है उनकी वैसे, पता नहीं कैसे सुन रहे हैं।